उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुई मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी मारा गया, फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं AK-47 और पिस्टल भी बरामद की गई है। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों और आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया है। आगंतुकों को पत्रकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद आज से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल कॉलेजों को खोल दिया गया है। वहीं पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 16 अगस्त से स्कूलों का संचालन होगा। मानसूनी बारिश का असर अब राजस्थान में भी नजर आने लगा है। यहां 12 जिले में बीते दिन हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों का जीवन भी मुहाल हो गया। रोजगार आधारित करीब 1 लाख ग्रीन कार्डों के 2 महीने के भीतर बर्बाद हो जाने को लेकर भारतीय आईटी पेशेवर अमेरिका सरकार से खफा है। इन पेशेवरों का अमेरिका में वैध स्थायी निवास का सपना अब कई सालों तक के लिए बढ़ गया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक कार और ट्रक की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल शवों को सरकारी अस्पताल में भेजकर पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तमिलनाडु में एम करुणानिधि की तीसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, मंत्रियों और द्रमुक कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में उनके स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मलौद इलाके के माननीय शख्सियत श्री संजीव पुरी, पूर्व प्रधान नगर पंचायत मलौद के आदरणीय माता श्रीमती सुरेंद्रा कुमारी पुरी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार आज शहर मलौद के शमशान घाट में दोपहर 1 बजे किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,628 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 617 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।